बाल ब्रह्मचारी अनंत विभूषित त्रयंबकेश्वर चैतन्य महाराज ने कहा कि हम इस शरीर को जितनी सुविधाएं देंगे उतना ही यह प्रकृति के विपरीत होगा। परिक्रमा का अर्थ बताते हुए कहा कि परिक्रमा करते वक्त जाने अनजाने में जो भी पाप हुए उसे समाप्त करने का भाव मन में रखना चाहिए। बातें करते हुए या परिहास करते हुए परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। सन श्री गुरुवार को हरिशिवा धाम उदासीन सनातन मंदिर में चातुर्मास प्रवचन के तहत श्रद्धालु समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यज्ञ के समान कोई पुण्य नहीं है, यज्ञ की परिक्रमा करना यज्ञ करने के समान है। भगवान के नाम का जप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। धीमी गति से परिक्रमा होनी चाहिए। पैरों की आवाज कान तक नहीं आनी चाहिए। प्रदक्षिणा से सभी प्रकार के पाप करते मनोकामना पूर्ण होती है। प्रवक्ता रश्मिकांत आचार्य ने बताया कि कथा के बाद 13 से 19 सितंबर तक होने वाली लक्ष्मी गणेश यज्ञ के आयोजन की व्यवस्था हेतु महाराष्ट्र के सानिध्य में बैठक हुई। कथा के प्रारंभ में हरिओम स्वामी ने कहा कि प्राणी मात्र सभी सुख चाहते हैं, लेकिन धर्म के प्रति आदर भाव नहीं रखते। दुख भोगने के बाद सुख सबको अच्छा। इससे पूर्व पुष्पा पवार एवं चंद्रकांता असावा ने भजन पेश कर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। आयोजक परिवार के राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि हरिशिवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन महाराज के सानिधि में प्रवचन प्रतिदिन अपराह्न 3 से शाम 5 बजे तक चल रहे। प्रवचन का सीधा प्रसारण लोकवाणी चैनल पर किया जा रहा है। चाहिए आप अपनी कृपा दृष्टि से निहार भर लो। मेरी सामर्थ्य थी यहाँ तक मैं आ गया, यहाँ के बाद तुम्हारे आंगन में आ गया हूँ, तुम संभाल लो। मंदिरों में बहुत भीड़ हो और आप अक्षम हो या आप पर पर्याप्त समय नहीं है तो अभी घबराओ मत। सामने चले भी जाओगे तो क्या देखाओगे? शिखर के दर्शन कर लो, वहीं से दंडवत प्रणाम कर सकते हो तो करो, आपको पूर्ण दर्शन का पुण्य मिल जाएगा। मन में हारो मत। बोली वृंदावन विहारी लाल।